नाम बताएं। संजय गुप्ता पार्षद सराय सूजन वार्ड नंबर 9। आज रामनवमी का उपलक्ष्य किस तरीके का यहाँ तैयारियाँ किया गया? बस राम शोभा यात्रा के स्वागत में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, बस इंतजार कर रहे हैं आने वाला है। उसके आ गए अशोक यात्रा हम लोग पहले फूल वर्षा से करेंगे, उसके बाद हम लोग ठंडा रखते हैं पिलाने के लिए। भव्य शोभा यात्रा कहाँ से निकल कर आ रहा है और कहाँ तक जाएगा? ये संतोषी माँ का वहाँ से निकला हुआ है और एक भी शोभा यात्रा गया है जो कि बटुआ पूरा त्रिवानी से होता है। कहाँ तक ये समापन होगा ये शोभा यात्रा? ये शोभा यात्रा एक तो समाप्त हो गई, दूसरा वहाँ आपका चालू हुआ है संतोषी माता मंदिर से किया जाएगा कृष्णदेव नगर का। आज रामनवमी का लास्ट दिन है जो चैत्र नवरात्रि का लास्ट दिन से रामनवमी के नाम से जाना जाता है, क्या कहेंगे आप समस्त काशीवासी? ये तो ही आपके नवरात्रि हमारी देवी माँ तो है, उसके बाद राम शोभा यात्रा भी निकलता है, राम आपकी शोभा यात्रा, उसके बाद नया वर्ष का आज से हमारा शुरू हो रहा है हिंदू नववर्ष जिसको कहते हैं। कितनी खुशी है। सनी गुप्ता मैं वर्तमान वरिष्ठ पार्टी महानगर हिंदू वाणी वाले। किस तरीके का शोभा यात्रा? हम लोग हर वर्ष इसी तरह हिंदू वाणी पंडित मदन मोहन मालवीय मंडल के प्रधान निकाले जाते हैं। इसके पूर्व इस साल हम लोग श्री खुजवा समिति के नाम से निकाले हैं जो कि आयोजन करता है हिंदू वाणी का। शोभा यात्रा कहाँ से निकाला गया? शोभा यात्रा राम मंदिर से उठा है, संतोषी माता मंदिर होते हुए गांधी चौक सरानंदा संतरा बुलरिया मोहा चौक पुनः गांधी चौक होते हुए सरानंदन आपके दसवीं पे समापन। शोभा यात्रा का क्या उद्देश्य? ये हम लोग हिंदुओं के एकत्रित करने का एक वो है कि हर क्षेत्र से शोभा यात्रा निकाला जाए, सब हिंदू जागृत हो। हम लोग अब हिंदू राष्ट्र हम लोग का कर्तव्य है। शोभा यात्रा हम लोग हर साल इसी तरह धूमधाम से मनाएंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे कि अन्य क्षेत्रों से भी शोभा यात्रा कहीं पर निकाले, इससे एक अच्छा संदेश जाए। रामनवमी का उपलक्ष्य क्या है जी? रामनवमी का आज दिन है, क्या कहेंगे? आज रामनवमी का दिन है, यही कहेंगे जैसे हमारे राम लला विराजमान हो गए तो कृष्ण लला भी विराजमान हो गए, ये मनोकामना है प्रभु श्री राम से और सभी समस्त खुजवा वासियों के हृदय के अंग रह सुभार व्यक्त करते हैं। जगह जगह हम लोग पुष्प वर्षा किए, जलपान कराए कार्यकर्ताओं को, इसमें बढ़ चढ़ कर आम क्षेत्रीय नागरिक भी थे और हिंदू वाहिनी के पंडित मदन मोहन मालवीय मंडल के तत्वधान में कुछ कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और आए हिंदू साथियों का भी मैं इधर के अनंत के रहे सभा। वर्तमान उपाध्यक्ष हिंदू वाहिनी वाराणसी महानगर। विशाल शोभा यात्रा निकाला गया था, कहाँ से निकाला गया? ये विशाल शोभा यात्रा राम मंदिर से राम जी की आरती करके खुजवा तिरैया संपूर्ण धारा होते हुए दसवीं पे समाप्त। शोभा यात्रा का क्या उद्देश्य है? शोभा यात्रा का उद्देश्य नहीं, मेरे राम लला का आज जयंती है और हम लोग प्रति वर्ष उत्सव से मनाते हैं, पूरा भारत मनाता है और उद्देश्य की बात यह है कि हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आचरण को अपनाएँ। उनकी तरह हम लोग जैसे हम उन्होंने बुराइयों पे अच्छाइयों की जीत के लिए हर लड़ाई लड़ा, उसी तरह हम लोग को भी हिंदू के प्रति हर लड़ाई लड़ना चाहिए। ये शोभा यात्रा पर जगह जगह पर देखा गया तो फूल वर्षा भी किया गया। हाँ, हिंदुओं में देखा जाए तो बहुत उत्सुकता रहता है अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जयंती को मनाने के लिए, उत्साहित होकर फूल वर्षा फल वितरण और जलपान कर रहे हैं। क्या कहेंगे आज रामनवमी का उपलक्ष्य? रामनवमी के उपलक्ष्य ये है कि अब रामलला का मंदिर हमारा देख रहे हैं भव्य रूप से बन रहा है और हम सब लोगों की यही एक सपना और है कि कृष्ण लला का मंदिर भव्य मंदिर बने।